Hello everyone, welcome to the SAM, that is a study art, motivation and education. And in this video I am going to talk about types of abutment. Okay, हम FPD का सीरीज चला रहे हैं अभी, तो उसी के बारे में बात हो रही है. टाइप्स ऑफ abutment आज हम पढ़ेंगे. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी आर लॉन्गर वीडियो बिकॉज बहुत सारे टाइप्स होते हैं abutment के. ठीक है, फर्स्ट टाइप इज हेल्दी abutment और आइडियल abutment. कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले आइडियल अपार्टमेंट का जो क्राउन रूट रेशियो होता है दैट शुड बी 1:2. इट्स एन आइडियल क्राउन रूट रेशियो. ओके, हमने ये क्राउन रूट रेशियो वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था. ठीक है, एडिक्वेट थिकनेस ऑफ इनेमल एंड डेंटिन होना चाहिए. एडिक्वेट थिकनेस होना चाहिए, अच्छा बोन सपोर्ट करना चाहिए, एब्सेंस ऑफ पेरियोडोंटल डिसीज, कोई भी पेरियोडोंटल डिसीज नहीं होना चाहिए, एंड प्रॉपर जिंजाइवल कंटूर होना चाहिए. इट इज कॉल्ड एन आइडियल अपार्टमेंट. ओके, हेल्दी एंड एन आइडियल अबटमेंट. कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज टिल्टेड अबटमेंट. ओके, टिल्टेड अबटमेंट सबसे कॉमन कौन सा होता है? मैंडिबुलर थर्ड मोलर. ठीक है, मोलर तो टिल्टेड होता ही, ये तो आप लोग को पता ही है. तो टिल्टेड अबटमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पाथ ऑफ इंसर्शन इन टिल्टेड अबटमेंट. तो इसको ओवरकम करने के लिए टू ओवरकम दिस एडवांटेज 5 मेथड्स आर यूज. इसको इस एडवांटेज, ये जो डिसएडवांटेज है ना टिल्टेड अबटमेंट का, इसको ओवरकम करने के लिए 5 मेथड्स यूज की गई हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज मीजियल रिडक्शन ऑफ थर्ड मोलर. तो जिस साइड से वो टिल्ट है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर दें. ठीक है, इनेमल उसमें से थोड़ा सा रिड्यूस कर दें. टिल्टेड बिकम्स पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ अदर अबटमेंट. जो फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेकेंड मोलर है और ये आपका टिल्टेड थर्ड मोलर हो गया. ठीक है, तो अब हम इसको तब तक घिसेंगे, तब तक रिड्यूस करेंगे इनेमल को जब तक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ना आ जाए. ठीक है, देन मॉडिफाइड पार्शियल वीनियर क्राउन, दैट इज प्रोक्सिमल हाफ क्राउन ओवर सेकेंड मोलर. तो ये इसको हम, इट इज यूज एज अ रिटेनर ऑन डिस्टल अबटमेंट. ठीक है, एंड 3/4 क्राउन दैट हैज बीन रोटेटेड एट 90 degrees, दिस इज प्रिपेयर्ड सच दैट द मीजियल अंडरकट इज रिमूव एंड अ वर्टिकल पाथ ऑफ इंसर्शन इज ऑब्टेन. ओके, देन ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट में जाए तो कन्वेंशनल FPD आप करा सकते हैं. ठीक है, देन देयर इज नॉन रिजिड कनेक्टर, इसे की वे भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ टिल्टेड मोलर. ठीक है, इसमें ना बस वही उल्टा कर दिया मैंने आपको अभी बताया था. ये आपका टूथ है और ये ऐसा है, तो इसको तब तक करो जब तक पैरेलल नहीं हो जाता. अब इसमें हम इस वाले को जो टिल्टेड है अबटमेंट उसके पैरेलल कर रहे हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, इन केस ऑफ मिसिंग मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर एंड टिल्टेड मैंडिबुलर सेकेंड मोलर. ठीक है, फर्स्ट मोलर मैंडिबल का मिसिंग है एंड सेकेंड मोलर जो है वो टिल्टेड है. तो अब क्या करेंगे, अ नॉन रिजिड कनेक्टर प्लेस्ड ऑन डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड मोलर, वो सेकेंड मोलर जो है आपका वो टिल्टेड है. तो हम क्या करेंगे, हम नॉन रिजिड कनेक्टर लगाएंगे ऑन अ डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड प्री मोलर एंड रिटेन सेकेंड प्री मोलर रिटेनर कंपनसेट फॉर द इंक्लाइनेशन ऑफ द टिल्टेड मोलर. देन द फिफ्थ मेथड टू करेक्ट दैट टिल्टेड अबटमेंट का डिसएडवांटेज इज टेलीस्कोपिक क्राउन. सो व्हाट हैपेंस इन टेलीस्कोपिक क्राउन, दैट द कॉपिंग और रिटेनर इज फैब्रिकेटेड. फैब्रिकेटेड दैट मीन्स देयर आर वर्टिकल स्लॉट्स ओवर द टूथ सो दैट इट ऑल्टर्स द कंटूर ऑफ द क्राउन. वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कॉपिंग होगा. डिसएडवांटेज भी है टेलीस्कोपिक क्राउन का, क्या है, इट इज एस्थेटिकली नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू बल्क ऑफ डबल कास्टिंग. ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव भी है एंड शॉर्ट क्राउन्स में हम इसे यूज नहीं कर सकते. तो आपसे टेलीस्कोपिक क्राउन का डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ ये हो गया अपना सेकेंड टाइप, दैट इज टिल्टेड अबटमेंट. अब हम आते हैं थर्ड टाइप, दैट इज पेरियोडोंटल वीकेंड अबटमेंट. अब इसमें आप देखो, यहाँ पे जो आपका पेरियोडोंशियम है इसमें डिफरेंस है, ये रूट के बहुत ज्यादा, इसको बेसिकली कहाँ होना चाहिए था, यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, सो इट इज पेरियोडोंटली वीकेंड अपार्टमेंट. ठीक है, देन एक्सटेंसिवली डैमेज्ड अपार्टमेंट. अब इसमें देखो,
यहाँ पर जो क्राउन है आपका वो बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड है, इसका एक साइड बहुत ज्यादा डैमेज्ड है। तो ये हो गया, इसमें रेस्टोरेशन हो सकता है, केरीज हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेशन करेंगे, केरीज हो जाएगी, तो हम इस तरह के अबटमेंट्स को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इम्प्लांट अबटमेंट, इम्प्लांट अबटमेंट यानी कि ऐसे अबटमेंट जिसमें पहले से इम्प्लांट हो चुका है। पायर अबटमेंट दैट इज सी दिस फॉर एग्जाम्पल, ये आपका तीन टूथ है एंड बेसिकली इन्हें पांच होना था, ठीक है, लेकिन ये वाला साइड और ये वाले साइड से जो टूथ है ना वो गायब हो गया, वो वाला नहीं है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन हो गया, निकल गए, इराप नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ईडेंचुलस स्पेस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से दिस टूथ विल सिंगल टूथ बाउंड बाय ईडेंचुलस स्पेस ऑन आइदर साइड, ठीक है। तो ये सिंगल टूथ जो है ये दो दो मिसिंग टूथ को सपोर्ट करेगा, यानी कि दो दो पॉन्टिक्स को सपोर्ट करेगा। तो इट कैन एक्ट एज ए अबटमेंट फॉर ईडेंचुलस स्पेस, देयरफॉर अनबैलेंस फोर्स होगा जिसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। कमिंग टू, हम अभी उसी पर हैं, तो इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। इसमें की वे होता है, ठीक है, इसमें हम की वे यूज कर सकते हैं, नॉन रिजिड में हमेशा की वे यूज होता है। वेयर द की इज मेल पार्ट, की वे इज अ फीमेल पार्ट, की वे यूज ऑन डिस्टल साइड ऑफ पायर अबटमेंट एंड द की पार्ट विल यूज ऑन अ मीजियर ऑफ पॉन्टिक, ठीक है। तो ये आपका टूथ, ठीक है, ये दो मिसिंग है। तो अब डिस्टल पार्ट ऑफ पायर अबटमेंट एंड यहां पर पॉन्टिक लगेगा, तो इसका ये मीजियल साइड हो गया, है ना। तो ये नाउ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस स्ट्रेस ब्रेकिंग और अ नॉन रिजिड कनेक्टर शुड बी प्रोवाइडेड। अब हमने ये जो की वे जो मैंने आपको बताया है ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो ट्रॉमा होने का कंडीशन आ रहा था वो ना हो, ठीक है। इफ द नॉन रिजिड कनेक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन पायर अबटमेंट एंड मीजियल पॉन्टिक देन ऑक्लूजल फोर्सेस नहीं लगेंगी, देन पायर अबटमेंट एंड डिस्टल पॉन्टिक्स आरपीडी अगर है और नॉन रिजिड हमने इसमें यूज नहीं करेंगे बिकॉज सुप्रा इरप्शन ऑफ पोस्टीरियर अबटमेंट हो सकता है। एंड इफ पायर अबटमेंट इज मोबाइल देन हमें रिजिड कनेक्टर यूज करना पड़ेगा, ओके। दिस इज अबाउट पायर अबटमेंट। देन कमिंग टू द कैंटिलीवर टाइप दैट मीन्स ब्रिज, कैंटिलीवर आए तो ब्रिज याद रखना, ठीक है। होता क्या है, अबटमेंट एट वन एंड ओनली विथ अदर एंड ऑफ पॉन्टिक रिमेन अनअटैच, ठीक है। आइडियल कैंटिलीवर क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ लेटरल इंसाइजर विथ कैनाइन सपोर्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर विथ सेकेंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर सपोर्ट, सफिशियंट अमाउंट ऑफ टूथ सपोर्ट जरूरी है ऑब्वियसली, मोर देन एवरेज बोन सपोर्ट इसमें लगेगा, सफिशियंट स्पेसिंग ऑफ एंटीरियर्स, देन कैंटिलीवर ब्रिज ऑन सेंट्रल इंसाइजर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीप पैलेटल वॉल एंड डीप बाइट। अगर डीप बाइट और स्टीप पैलेटल वॉल है तो हम कैंटिलीवर ब्रिज सेंट्रल इंसाइजर में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ और टीथ विथ शॉर्ट रूट्स में हम नहीं यूज कर सकते हैं इसे, इसको हम यूज करेंगे। एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ होगा या फिर टीथ विथ शॉर्ट रूट होगा तो हमें इसे यूज नहीं करना है, ओके। एंड इफ स्ट्रांग अबटमेंट चाहिए और या फिर हमें स्ट्रांग अबटमेंट ही चाहिए लेकिन स्ट्रांग अबटमेंट नहीं मिल रहा है, इन दैट केस स्प्रिंट कैंटिलीवर यूज होता है, ठीक है। तो दीस आर द टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स एंड इफ इट डज ऑब्वियसली आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। एंड दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ अबटमेंट, ठीक है। बेसिकली सेवन टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स हमने पढ़े, हेल्दी अबटमेंट जो कि रिक्वायर्ड है, टिल्टेड है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पांच मेथड है उसके, ठीक है। देन हमने कैंटिलीवर पढ़ा जिसमें ब्रिज आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद में हमने पायर अबटमेंट, उसके बाद में हमने आपका पेरियोडोंटिकली वीकेंड अबटमेंट हो सकता है, एक्सटेंसिवली डैमेज अबटमेंट हो सकता है, ऐसे अबटमेंट हो सकते हैं जिसमें इम्प्लांट ऑलरेडी हो, तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। एंड पायर अबटमेंट, कैंटिलीवर अबटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है। एंड आपका टिल्टेड अबटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी अबटमेंट तो आपको पता होना ही चाहिए कि कोई भी आइडियल और हेल्दी अबटमेंट अगर हमें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो
सो दीज आर द थिंग्स. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.